इसके पहले मैंने आप लोगों को दशम पंचमी के बारे में बताया था, मैंने बोला था हम इसको दो शाखाओं के बारे बांट के पढ़ेंगे, इसको दक्षिण पश्चिमी शाखा बोलेंगे और बंगाल की शाखा, मतलब अरेबियन से शाखा बोलेंगे, अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा। ऐसे दो शाखाओं में हम देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु के बाद का मानसून किस तरह से हमारे भारत में वर्षा कराती है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से देखने वाले थे। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने देख लिया, अब दूसरे के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, बंगाल की शाखाओं के बारे में, कि बंगाल की शाखाएं भारत में किस तरह से प्रवेश करती हैं और भारत में कौन कौन से जगहों पे कहाँ कहाँ वर्षा करती हैं और अधिकतर वर्षा कहाँ पे करती है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ पा रहे हैं, तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्यों आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जो भी मैं आप कहूंगा, तो आपको वो सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। ठीक है, और क्या होगा, इससे मेरा भी मनोबल बना रहेगा कि बच्चे मेरा चैनल देख रहे हैं। ठीक है, जिससे मैं और अच्छे ज्यादा कंटेंट लगाऊंगा और अच्छा ज्यादा इम्प्रूवमेंट करूंगा कि ताकि लोगों तक बहुत अच्छी अच्छी बातें पहुंचे, कुछ चीजें छूट ना जाए। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं तो मुझे पता चले कि आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आप बेझिझक पढ़िए, मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। और अब मैं सोच रहा हूँ कि बाहर से भी टीचर्स को प्रोवाइड करूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो मैं आगे भी इन चीजों पे ध्यान दूंगा। ठीक है, आपको इंग्लिश ग्रामर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अलग अलग टीचरों से पढ़ाऊंगा अगर आप मेरा साथ देंगे तो। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे, जो आपके नजर में कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको प्लीज ये चैनल शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि वो भी देखेंगे, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि बहुत बच्चे क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं जिसके वजह से उनकी प्रिपरेशन अधूरी रह जाती है। तो अगर उनकी मैं कुछ सहायता कर पा रहा हूँ तो कृपया आप शेयर कर दीजिए, उन्हें भी भला हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, देखो बंगाल की शाखा। ठीक है, बंगाल की शाखाओं के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। तो बंगाल की शाखाओं के बारे में जानने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके थर्ड पार्ट में मैंने आपको एक पॉइंट रॉन्ग बता दिया था। मैंने बोला था कि 22 जुलाई तक दिल्ली में वर्षा पहुंचती है, बट उसको 15 कर लीजिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट गलत हो। ठीक है, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक गलत पहुंचे, बाद में आपको पता चले कि नहीं, यहाँ पे गलत बताया गया है। यहाँ पे कोई भी चीजें गलत नहीं बताई जाती है, सब एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ये सब फैक्ट ढूंढने में। ठीक है, तब जाके मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 15 जुलाई। ठीक है, इसके पिछले वीडियो मैंने 15 जुलाई बताया था, बट मैं गलत किया था, वो मैंने नहीं बताया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाइए। एक चीज अगर मुझे समझाना है आपको, आपको समझ गया रहेगा पिछले टाइम से, तो बहुत अच्छी बात है, बट एक चीज मैं छोड़ दिया था, समझाया नहीं था। ठीक है, आप देख लीजिए, जब विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से हवाएं दाईं ओर चलती है और यहाँ से हवाएं किस तरफ चलती है, बाईं ओर चलती है। तो मैंने आपको ये बताया था, बट जब 0 डिग्री मार्च के बाद जब सन की रेज कहाँ पे स्टार्ट करती है, कर्क रेखा तक जाना शुरू करती है, कर्क रेखा तक पहुंचना शुरू करती है, तो जब वो कर्क रेखा तक पहुंचती है, तो आपको पता है कि हमारे स्थलखंड, ये जो भूमि है, वो अधिकतर जल्दी गर्म होती है। ये चीज आपको माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो, देखो यहाँ पे जब वो इस तरह से आना स्टार्ट होता है, तो हमारा स्थलखंड क्या होना स्टार्ट होता है, हीट करना स्टार्ट करता है। जब तक वो यहाँ पहुंचता है, हमारा स्थलखंड बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। तो इसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि मानसून की हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। मैंने पिछले चैप्टर में आपको लो प्रेशर पढ़ाया था, राजस्थान में जो लो प्रेशर होता है, तो इस तरह से क्या करता है, चारों तरफ अपनी हवाओं को खींचना स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब हवाएं वहां पे गर्म होती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं, तो उस हवाओं को फील करने के लिए व्यापारिक पवने चलती हैं, और वही व्यापारिक पवने यहां से खींच के लाई जाती है। इसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो हवाओं को खींचता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जब अपनी तरफ खींचता है, तो ये हवाएं नीचे की तरफ से और इस तरफ से इस तरफ मुड़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जिसके वजह से ये हवाएं भारत में एंट्री करती है और यहाँ पे बारिश कराती है। इस तरह से हवाओं का आगमन भारत में होता है। देखो जब यहाँ पे कर्क रेखा आ गया, तो फिर ये हवा इस तरह से मुड़ना स्टार्ट करती है, बट ये हवा क्या करती है, इस तरह से खींचना स्टार्ट करती है, डिसीजन इस तरह से भारत की ओर खींचना स्टार्ट कर देती है, जिससे ये हवा मुड़ के इस तरह से जाना भारत के अंदर एंट्री कर देती है। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं बंगाल का मानसून, जिसको बोलते हैं मानसून ऑफ बंगाल। तो मानसून ऑफ बंगाल क्या है, देखो
सुनते चले जाइए, समझते चले जाइए। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छी बात होगी। जो भी चीजें मैं बोलता हूँ सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, आप सारी चीजों को लिख लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये हवाएं जब यहां से चलती है, इस तरह से हवाएं ये चलती है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे वर्षा करती है। कहाँ पे? शिलांग पठार पे, शिवालिक या बोल सकते हो, शिवालिक या शिलांग पठार, इसको शिलांग पठार भी बोलते हैं, ठीक है। तो शिलांग पठार पे अधिकतर वर्षा करती है। शिलांग पठार पे तीन पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, तो ये कहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा करती है? मेघालय में, मेघालय में या शिलांग पठार में। शिलांग पठार में तीन पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। आगे आप समझेंगे कि खासी पे, गारो, खासी, खासी पे ये अधिकतर वर्षा करती है। खासी पहाड़ी पे ये हवाएं अधिकतर वर्षा करती हैं। क्यों क्यों वर्षा अधिकतर करती हैं? क्योंकि खासी पे दो चोटियां हैं जिसका नाम है चेरापुंजी, ठीक है, पहले का नाम क्या है? चेरापुंजी और मसीनराम, ठीक है, चेरापुंजी और मसीनराम करके दो चोटियां हैं। इन्हीं चोटियों की वजह से वो हवाएं क्या होती हैं? मेघालय में टकरा जाती है। मेघालय में टकरा जाने का मतलब ये माउंटेन है और यहाँ से हवाएं बह के आ रही है, तो इसपे क्या होती है? टकरा जाती है। चोटियां और ऊपर होने की वजह से ये हवा तब तक टकराते रहती है, वर्षा करते रहती है, जब तक इस बादलों की ऊंचाई जो है इस माउंटेन से ऊपर नहीं उड़ जाती, तब तक वो वहां पे वर्षा करती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ, किस पहाड़ी पे करती है? खासी पे। क्यों? क्योंकि वहां पे चेरापुंजी और मसीनराम करके चोटियां हैं ऊंची ऊंची, और इन्हीं चोटियों पे टकरा के वो अधिकतर वर्षा करती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये समझ गया रहेगा, चेरापुंजी और मसीनराम। आगे आप समझेंगे, लिखेंगे, मसीनराम में अधिकतर वर्षा करती है। मसीनराम में यह विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मसीनराम में करती है, मतलब विश्व में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? खासी के मसीनराम चोटी पे अधिकतर वर्षा होती है, ठीक है। क्योंकि ये हवाएं आप देख रहे हैं यहाँ से क्यों अधिकतर होती है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सीधा सीधा हवा जा रही है, मतलब बे ऑफ बंगाल से होकर सीधा सीधा हवाएं कहाँ जा रही है? यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे आने के बाद खांसी से टकरा रही है, हिमालय से टकराने के बाद इनके अंदर बहुत ज्यादा नमी होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी स्थलखंड से नहीं आ रही है, और कोई भी स्थलखंड से ना आने के यहाँ पे छोटा सा एरिया इनको मिलता है और उसी पे ये पूरा जमा हो जाती है, जिससे खांसी पे अधिकतर वर्षा कर देती है ये, ठीक है। तो आपको समझ गया रहेगा, तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है, तीनों तरफ से मेघालय क्या है? शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे अधिकतर वर्षा होती है। इसके बाजू में ही असम है, ये हमारा असम है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा असम है। तो असम, इन पहाड़ियों पे वर्षा करने के बाद वो असम की ओर मुड़ जाती है, और असम अरुणाचल प्रदेश में भी काफी वर्षा करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर में भी, यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकल के दिहांगंज से अंदर आती है, और अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत, सॉरी, ब्रह्मपुत्र रिवर पे भी बहुत ज्यादा वर्षा करती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकली है, ये मैंने आपको रिवर चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने ये सब वीडियो प्लेस नहीं देखा है तो आप जाके पहले उनको देख के आइए, देखने से यही होगा कि चीजें आपको जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। ज्योग्राफी इतना आसान नहीं होता है समझना, जिसका कल्पना करने की शक्ति जितनी ज्यादा है, जिसको सोचने की शक्ति जितनी ज्यादा है, इमेजिनेशन जितना स्ट्रांग है, उतनी अच्छी से चीजें समझ में आती है, क्योंकि उतनी अच्छी से वो चीजों को इमेजिन कर पाता है कि जो चीजें बताई जा रही है वो इसी तरह से शायद होंगी, क्योंकि हमने तो देखा नहीं है। अभी मैं आपको बोलूंगा कि गर्म हवाएं उठ रही है ऊपर की तरफ, तो आप सोचेंगे कि उस गर्म हवाएं आपस में टकरा रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, तब समझ में आएगा कि मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये नेचुरल में होता है, नेचर में जो चीजें देखी नहीं जा सकती है वो चीजें कुछ समझी जा सकती है। हाँ, आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हो कि वहां पे चेरापुंजी है, मसीनराम है, वहां पे अधिकतर वर्षा हो रही है। आप वहीं पे खड़े रहिए, आप देख लीजिए कि वहां पे अधिकतर वर्षा हो रही है, ठीक है। तो ये बात हो गई खासी पे, इन दोनों पहाड़ियों की कहाँ कहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। आगे, तो जब बंगाल की ये शाखाएं इस तरफ जाती हैं, तो उसी में से एक शाखा अंदर की तरफ मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है? क्योंकि आर्टिसीजेड यहाँ पे इनको आकर्षित करता है, तो एक शाखा इस तरह से अंदर की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। इस तरह से अंदर की तरफ क्या होता है? प्रवाहित होता है, हाँ। एक शाखा मतलब एक भाग जो होता है बे ऑफ बंगाल का, किस तरफ मुड़ जाता है? भारत की तरफ मुड़ जाता है। कोलकाता, बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, इन सारे रास्तों में वो बारिश करते हुए जाता है। आगे समझिए, जैसे जैसे वह
कोलकाता में बरसात करता है, बारिश करता है, वैसे वैसे हवाओं में नमी कम होती जाती है और वर्षा की मात्रा भी कम होती चली जाती है। जैसे जैसे वो अंदर की तरफ मुड़ता है, अंदर की तरफ प्रवेश ज्यादा करना स्टार्ट करता है, वैसे वैसे हवाओं में नमी कम होती है और वर्षा भी कम होता है। ठीक है, तो ये शाखा अंदर की तरफ मुड़ गया कोलकाता। तो आप इसको जरा देख लीजिए कि कितनी वर्षा कहाँ पे करता है, अप्रोक्सीमेट है, कोई एग्जैक्ट नहीं है। अगर अगले साल कोलकाता में ज्यादा बारिश हो जाता है या फिर यूपी में ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है, तो इसको क्लाइमेट चेंज बोलेंगे। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेट अभी जो बहुत सालों से चले आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, देखो उसको बोलेंगे, देखो कोलकाता में और फिर बिहार में और फिर यूपी में। ठीक है, कोलकाता में जो है वो 140 से 160 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, बिहार में 100 से 110 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, यूपी में यह 70 से 80 सेंटीमीटर में वर्षा होती है और फिर दिल्ली में, मैंने बोला ना ये दिल्ली तक जाती है, तो दिल्ली में आप देखोगे 50 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए इसको, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप। कोलकाता में 150 से 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मतलब यहाँ पे वो अधिकतर वर्षा करती है। क्यों? क्योंकि हवा में नमी ज्यादा होती है, जब हवा में नमी ज्यादा होती है तो यहाँ पे अधिकतर वर्षा करती है। जैसे वो अंदर की तरफ मुड़ना स्टार्ट करती है, बिहार में नमी कम हो जाती है जिसकी वजह से बिहार में कम वर्षा करती है, और फिर जैसे वो अंदर एंट्री मारती है यूपी में तो और ज्यादा वर्षा कम करती है, और फिर जैसे दिल्ली में वो टच करती है 50 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा का माप हो जाता है, मतलब 50 से 60 सेंटीमीटर तक ही वर्षा वो कर पाती है, आगे वर्षा नहीं कर पाती है। क्यों बताता हूं, अब यहां से वो निकला। ठीक है, अब वो कहां मुड़ेगा, राजस्थान की ओर। राजस्थान की ओर जब मुड़ता है तो बीच में यहाँ पे अरावली रेंज पड़ता है। ठीक है, ये अरावली तो यहां तक नहीं पहुंच पाया, बट आप पहुंचा दीजिए। ठीक है, यहां तक अरावली रेंज है। ठीक है, तो अरावली पर्वत से वो क्या हो जाता है, टकरा जाता है, तो टकराने के बाद जो भी नमी थोड़ी बहुत बची होती है वो अरावली पर्वत पे ही क्या हो जाती है, निकल जाती है। वो भी नमी कहाँ गिर जाती है, अरावली पर्वत पे ही निकल जाती है, और फिर वही हवाएं आगे की तरफ बढ़ती है। जब उसकी जो हवाओं की ऊंचाई है वो अरावली पर्वत से ऊपर उठती है तो कहाँ किस डायरेक्शन में जाती है, राजस्थान की ओर, और जब वो राजस्थान में प्रवेश करती है तो वहां बहुत ज्यादा नमी कम हो जाती है, मतलब हद से ज्यादा नमी उसके अंदर, हवा के अंदर कम हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पे कोलकाता, बिहार, यूपी, दिल्ली में कंटिन्यू वर्षा करते हुए चले आ रहा है। 160, 140, 110, 75, 76 सेंटीमीटर वर्षा कंटिन्यू कर करके वो यहाँ तक पहुंचता है तो हवाओं में नमी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और जब वो राजस्थान में पहुंचता है तो वहां की जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हीट होती है, गर्म होती है, जिसके वजह से थोड़ी बहुत भी जो नमी बची रहती है वो भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ठीक है, और नाइट के समय थोड़ा बहुत वर्षा कर देती है, क्योंकि नाइट के समय थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा गिर जाता है, जिसके वजह से वहां पे रात में कभी कभी वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, अब बे ऑफ बंगाल की शाखाओं के बारे में, मतलब बंगाल की जो शाखा है वो कहाँ कहाँ पे वर्षा करती है। आगे कंटिन्यू, तो यहां तक ये राजस्थान में समझ में आ गया। इससे एक पॉइंट तो क्लियर होता है कि राजस्थान में ना तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं वर्षा करा पाती हैं और ना ही बे ऑफ बंगाल वर्षा करा पाती है, बंगाल की शाखाएं वर्षा करा पाती है। इसका रीजन ये है कि दक्षिण पश्चिम की हवाएं जब गुजरात से निकलती हैं, विंध्य पर्वत में तापी नदी और नर्मदा नदी में प्रवेश करने के बाद, वर्षा करने के बाद अरावली की ओर मुड़ती है, तो अरावली पर्वत यह पैरेलल पड़ जाने की वजह से वह हवाएं सीधी निकल जाती हैं, जिसके वजह से वहां पे वर्षा नहीं कर पाती हैं, बट यहाँ पे माउंट आबू में वर्षा करती है। गुरु शिखर, अरावली पर्वत पे गुरु शिखर माउंट आबू पे वर्षा करती है वो, और वहां पे थोड़ी बहुत वर्षा करने के बाद वो समांतर होते हुए निकल जाती है आगे की तरफ। ठीक है, जिसके वजह से राजस्थान एक सूखा क्षेत्र रह जाता है। आगे उसी तरह से बे ऑफ बंगाल की जो शाखाएं हैं, बंगाल की शाखा जो है वो एंट्री तो करती है, बट कोलकाता, बिहार, यूपी में, दिल्ली में अधिकतर नमियां अपनी गिरा देती हैं, जिसके वजह से राजस्थान में प्रवेश करने पे हवा में नमी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और राजस्थान में ITCZ निर्माण होने की वजह से उन हवाओं की जो थोड़ी बहुत नमी बची होती है वो भी नमी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, गर्म होके ऊपर की तरफ उड़ जाती है, जिसके वजह से वहां पे भी बारिश नहीं कर पाती है। कौन? बंगाल की शाखा है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई, आपको समझ में आ गया रहेगा, यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझ में आ गया रहेगा। ठीक है,
तो बंगाल की खाड़ी कहाँ, बंगाल की शाखा कहाँ कहाँ पे वर्षा करती है? गारो खासी जैंतिया खासी पे अधिकतर वर्षा करती है, क्योंकि वहां पे छोटी चेरापूंजी और मसीनराम करके चोटियां हैं, जो वो क्या करती है उनको रोक लेती है हवाओं को और अधिकतर वर्षा अपने ऊपर करा लेती है। मेघालय में शिवलांग पठार पे अधिकतर वर्षा होती है और फिर यही हवाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं और यहाँ पे वर्षा करती हैं। बंगाल की एक शाखा उत्तर भारत की ओर मुड़ती है और कोलकाता बिहार यूपी दिल्ली में कुछ समय तक वर्षा करती है और फिर राजस्थान में एंट्री कर जाती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स किसके हो गए? बंगाल की खाड़ी। अब एक बात और सुन लेते हैं, अरब सागर की जो शाखा है वो यहाँ पे वर्षा करती है, यहाँ पे वर्षा करती है, यहाँ पे वर्षा करती है, यहाँ पे भी, बट ये जो शाखाएं हैं ये यहाँ पे वर्षा करती है, यहाँ पे वर्षा करती है। एक पॉइंट और आप ध्यान दीजिए जरा, कि जब ये हवा इस तरह से मुड़ती है ना तो यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मतलब ये हवा इस तरफ प्रवाहित होने के लिए अनुकूल हो जाती है, इस तरफ जाना स्टार्ट करती है। और जब इस तरफ जाना स्टार्ट करती है तो यहाँ पे भी कुछ हरी, जैसे उत्तराखंड में हो गया बारिश कर देती है, ठीक है, नेपाल की तरफ मुड़ जाती है, उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा कर देती है वो। क्यों? क्योंकि हवाएं आधा अपने रास्ता बदल देती है। क्यों? क्योंकि हवाओं का रास्ता चेंज हो जाता है। फेरल के नियम के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये हवाओं का रास्ता चेंज होना ही था, इस तरफ मुड़ जाते हैं और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी बारिश कर देते हैं, कुछ हवा इस तरफ मुड़ जाती है, बट ये हवाएं यहाँ पे इतनी बारिश नहीं कर पाती हैं, इसलिए ये भाग भी एक सूखा ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, मालवा का पठार भी सूखा है क्योंकि ये हवा यहाँ पे मुड़ तो जाती है बट वर्षा नहीं कर पाती है। ठीक है, इस तरफ मुड़ने से यहाँ पे वर्षा अधिकतर वर्षा नहीं कर पाती है, इसके वजह से ये भाग सूखा क्षेत्र है और यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्षा हो जाती है और ये भाग अनुकूल हो जाता है किसी भी खेती के लिए, कृषि क्षेत्र के अनुकूल हो जाता है। और यहाँ पे वर्षा कराने के बाद वो हवाएं मुड़ जाती है आगे की तरफ और उनमें नमी नहीं बच पाती है, तो और वर्षा वो करा भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने, अब ये फाइनली कंप्लीट हो गया बे ऑफ बंगाल का। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, अब वही पॉइंट में चलता हूँ पिछला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये हवाएं इधर वर्षा कराती हैं, इधर पे यहाँ पे थोड़ा सा सूखा हो जाता है, फिर यहाँ पे सूखा, ये हवा यहाँ पे वर्षा कराती है शिलांग पे और उत्तर भारत में कुछ दूर तक वर्षा कराती है, बट अगर आप ध्यान देंगे तो इस समय यहाँ पे कोई वर्षा नहीं हुई। ठंडी में ये यहाँ पे वर्षा करा देते हैं और ठंडी में उत्तर पूर्व की हवाएं कोरोमंडल पे वर्षा करा देती है, बट ये भाग तो सूखा रह गया ना बारिश में, तो यहाँ पे वर्षा कैसे होती है? तो पूर्वी तट पे, लिखिए आप लिख सकते हैं, तो पूर्वी तट पे यहाँ पे चक्रवातों के द्वारा वर्षा होती है। किसके द्वारा? चक्रवात, यहाँ पे हरदम चक्रवात बहुत ज्यादा उठते हैं, जब बारिश का मौसम होता है तो लगभग एक दो बार, एक बार तो चक्रवात यहाँ पे आता ही है, तो वो जो चक्रवात आता है उन्हीं चक्रवात से उड़ीसा आंध्र प्रदेश कर्नाटक लगभग यहाँ पे इसी समय वर्षा होती है जब चक्रवात उठता है तब। बंगाल की खाड़ी चक्रवात बनने के कारण पूर्वी घाट के पास होती है और यहाँ पे वर्षा कराती है। ठीक है, तो पूर्वी घाट में वर्षा किसकी वजह से होती है? चक्रवातों की वजह से होती है, तो यह भाग भी वर्षा इसकी वजह से हुआ, यहाँ पे वर्षा इसकी वजह से, अंदर इन्होंने एंट्री मारा, ये भी हवा यहाँ पे वर्षा कराती है, तो हमने पूरे भारत को कवर कर लिया कि भारत में कहाँ कहाँ पे वर्षा होती है, इसको छोड़ के ये किसके द्वारा वर्षा होती है यहाँ पे? चक्रवातों के थ्रू वर्षा होती है। ठीक है, तो चक्रवात के थ्रू अगर वर्षा देखा जाए तो कहाँ पे होती है? इसके थ्रू होती है। तो आप लोग को समझ गया रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इन चीजों को लिख लिए होंगे। ठीक है, लिख लोगे तो आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा जिसको आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये मैंने बात कर दी किसकी? बंगाल की खाड़ी और इसकी। और अगर आप इसको, ये सब होने के बाद आप इसको एक बार ऊपर से तैयारी कर लीजिएगा कि ऊपर से किस तरह से, ऊपर से मतलब कि एक प्रॉपर ढंग से आप समझना, कैसे समझेंगे? देखो मैं आपको पूछूंगा इंडिया में ठंडी में कहाँ कहाँ वर्षा होती है, तो आपका तुरंत ध्यान यहाँ पे जाएगा पक्षुआ में, कोरोमंडल तट पे इनके द्वारा, और यहाँ पे हिमपात के रूप में, यहाँ पे बूंदों के रूप में, पहला पॉइंट। फिर मैं आपको बोलूंगा कि इनसे बंगाल की शाखाओं से किधर किधर वर्षा होती है, तो आपको यहाँ पे नाम याद आ जाएगा, यहाँ पे नाम याद आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे मैप को बनाइए, मैप रखिए सामने और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है उसको जस्ट रिवाइज करके चेक करिए कि क्या मुझे इतना याद है या मुझे आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज लेक्चर वापस से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, समझिए उसको। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट अगर पढ़ूंगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लेट हैं फिर भी आप कमेंट करिए, अगर आप मेरा वीडियो लेट देख रहे हैं या फिर मैंने बहुत सारी सीरीज पहले वीडियो बना दी है फिर आप देख रहे हैं फिर भी आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट पढ़ूंगा, तो जरूर मैं एक लेक्चर सेपरेटली डालूंगा जो लेक्चर के लिए होगा, हर एक
टॉपिक पे मैं एक एक डाउट लेक्चर रखूंगा जिसमें आप डाउट पूछेंगे और मैं उन चीजों को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ये बात हो गई मानसून की, ठीक है। अब मानसून चैप्टर खत्म हो गया है, ये मैंने बता दिया, ये बता दिया। अब जो मानसून की हवाएं अंदर तो प्रवेश कर ली है, अब इनको लौटना भी तो रहता है ना, तो अब जब ये लौटती हैं तब कहां कहां पे वर्षा करती हैं, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब लौटते समय वो कहां कहां पे वर्षा करती हैं, किन किन क्षेत्रों में अधिकतर उस समय वर्षा करती हैं और कब कब करती हैं, किस दिसंबर में करती है, नवंबर में करती है, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो आप घबराइए मत, आपका मानसून चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छे से होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी और के लिए भी हो सकता है या किसी और के लिए फायदेमंद है तो आप प्लीज उसको शेयर कर दीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो इसके बाद का जो वीडियो होगा वो लौटता मानसून के ऊपर होगा कि किस तरह से मानसून अब पहुंच तो गया, अब वो लौटेगा भी तो ना, तो लौटाएंगे भी उसको हम, अगर हम प्रवेश कराए हैं तो हम लौटाएंगे भी और उसको देखेंगे कि कहां कहां पे तब वर्षा करती है और किन किन क्षेत्रों पर अधिकतर वर्षा करती है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, चलिए।